गिर रहा है। हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको पोचे बनाना सिखा रही हूँ। इससे पहले मैंने इसकी स्टिचिंग बताई थी कि आप बेल्ट कैसे डालोगे और प्लेट्स कैसे लगाओगे, इसके बारे में बहुत अच्छे से समझाया था। अब मैंने कहा था कि वीडियो मेरी काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने अब पोचे की वीडियो बना रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपने बॉटम बनाना है। ऊपर का पार्ट तो हमारा रेडी है, अब जो पार्ट रह रहा है वो हमारा बॉटम का रह रहा है। आपने क्या करना है, जो भी आपका बॉटम है ना, आपने पहले सबसे पहले उसे सीधा कर लेना है। ये देखिए मेरा तिरछा आ रहा था यहाँ से, तो मैं इसको तो पहले प्लेन कर लूँगी, यानी कि सीधा कर लूँगी। ये देखिए सीधा हो गया। अब आपने क्या करना है, इसी साइज की आपने एक बुकरम काटनी है। जिस जो ये बुकरम आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। लेंथ इसकी मैंने 1.5 इंच ली है, आप चाहो तो 2 इंच, 4 इंच, 1 इंच, जितना मर्जी आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो बुकरम है वो इसके बराबर आनी चाहिए। तो मुझे यहाँ से ये जो थोड़ा सा कम लग रहा है, तो मैं क्या करूँगी, इस वाली बुकरम के अकॉर्डिंग इसको बराबर रख के कटिंग कर दूँगी कि मेरा बराबर लग जाए। अगर बुकरम कम लगता है तो आप जोड़ करके भी आराम से लगा सकते हो। ठीक है, तो देखिए मैंने बुकरम को इतना बराबर ले लिया है। ऐसे आप दूसरे पल्लों पे लेंगे, और इसे लगाने के लिए आपको एक ऐसा कपड़ा चाहिए होगा। ठीक है, ये देखिए कपड़ा मेरे इसके बराबर आ रहा है एकदम। ये कपड़ा देखिए इसके एकदम बराबर आ रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे ज्वाइंट करेंगे इसके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले आपने कपड़ा लेना होगा। ये कपड़े की जो चौड़ाई है 2 इंच है, और इसकी जो लंबाई है इसके अकॉर्डिंग ही आ रही है। ठीक है, अगर कम ज़्यादा होगा तो आप जोड़ लगा सकते हैं। तो 16.5 इंच इसकी लंबाई आ रही है। ठीक है, अब आपने ऐसे दूसरा कटिंग करेंगे दूसरे पल्ले के लिए। तो आपने इसी तरीके से इसको भी चेक करना है कि आपको कोई छोटा बड़ा तो नहीं आ रहा। जैसे कि यहाँ पर ये थोड़ा बड़ा आ रहा है, तो मैं इसको कट कर लूँगी। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पर भी बुकरम लगा लूँगी। ये भी मेरा 1.5 इंच की बुकरम है। ठीक है, यहाँ से कॉर्नर पर लगाऊंगी, यहाँ पे थोड़ा कम पीस पड़ रहा है, तो मैं इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ रखूँगी। अब इसकी कटिंग कर दूंगी, जितना बुकरम चाहिए उसके अनुसार आप इस पर कटिंग कर लीजिए। ठीक है, अब ये देखिए मेरा यहाँ से भी पूरा आ जाएगा, जोड़ लगाऊंगी तो भी। अब इसके लिए भी एक पट्टी चाहिए होगी आपको, ये भी 2 इंच की, और ये भी बराबर आ रही है। ठीक है, अब इसकी सिलाई कैसे करेंगे, अब वो देखिए मेरी सीधी साइड है। ठीक है, ये मेरा नीचे का बॉटम है जहाँ से मैंने कटिंग करके बराबर किया था। ये मेरी सीधी साइड है कपड़े की, ये तुम्हारी सीधी साइड होनी चाहिए हमेशा। जो पोचे बनाते हैं वो सीधी ही साइड बनाते हैं, कपड़े की सीधी साइड बनाते हैं। ठीक है, कैसे लगाने पहले पोचे, इसके लिए सबसे पहले आपने अपनी पट्टी लेनी है। ठीक है, और जो आपने बुकरम कटिंग करके रखी थी ना, उसको अटैच कर लीजिए। जैसे कि मैंने जॉइंट लगाया था, क्योंकि मुझे कम लग रहा था बुकरम, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जॉइंट लगाया था। तो मैं अभी क्या करूँगी, इसको सील लूँगी। ठीक है, मैं एक पैर की सिलाई लगा रही हूँ यहाँ पर। थोड़ा मैं यहाँ पे पक्का लगाऊंगी। ऐसे मैं दूसरी पट्टी भी जोड़ लूंगी। इस पे भी मैं डबल सिलाई लगा रही हूँ। देखिए, अब मैंने क्या करना है, ये पट्टी लेनी है आपने। ठीक है, जो बुकरम की कटिंग करी है आपने, जॉइंट लगाया है, देखिए इस तरीके से मेरा जॉइंट लग गया है। अब मैं थोड़े से कपड़े की छटाई कर दूंगी, क्योंकि छटाई करना जरूरी है ताकि हमारी फिनिशिंग आ सके। हम इतना मोटा कपड़ा तो नहीं सीख करेंगे ना, तो आपने इसको इस तरीके से खोलना है और इसको ऐसे प्लेन कर देना है। ठीक है, खोल के प्लेन करने के बाद अब आपने अपने ना सलवार की पट्टी लेनी है जो आपने काटी। अगर आप चाहो तो ना इसमें पाइपिंग कैसे लगाते हैं वो भी लगा सकते हैं आप, इसमें दूसरा कपड़ा ले लीजिए। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगती है पोचों में, तो आपने इसको इसके ऊपर रखना है और ये चेक करना है कि आपके फैब्रिक के बराबर आ रहा है, ना बराबर। तो अब आप इसमें पहले एक साइड से आप फोल्ड करेंगे। अब देखिए क्या करेंगे आप, अब आप अपनी पट्टी लेंगे और इसके ऊपर बुकरम रखेंगे, और इसको थोड़ा सा आप मोड़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मोड़ना है, और इस पे एक पैर की सिलाई लगा देंगे।
ये सिलाई आपकी पक्की होनी चाहिए, कच्ची सिलाई नहीं आनी चाहिए। अब इस पे आप पूरे पे सिलाई लगाते चलेंगे। का एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसकी कटिंग कर लेनी है आपने, ठीक है। पल्ले भी जोड़ना है, ठीक है। इससे पहले मैं यहाँ पे सीधी साइड है मेरी, देखिए सलवार ही मेरी सीधी साइड है, बॉटम है मेरी सलवार का जो अभी कटिंग करी थी मैंने, ये मेरी सीधी साइड है, ठीक है। अब आपने जहाँ से स्टिच नहीं करा है ना, देखिए मैंने इस वाली साइड से स्टिच नहीं करा है, आपने इसको इसके ऊपर रखेंगे ऐसे करके। देखिए अब ये आपकी सलवार का सीधा पार्ट है, यानी कि सीधी साइड है। और ये चीज़ याद रखिएगा, आपका मार्जिन किस साइड आ रहा है ये चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। ये मेरा मार्जिन का जो मुंह है बेल्ट वाला, इस साइड आ रहा है ना, तो आप अपनी जो कलियां जोड़ी थी ना उसका मार्जिन भी एक साइड रखना है, यानी कि बॉटम और जो प्लेट्स का ऊपर का था वो एक साइड एक जैसा ही मार्जिन आना चाहिए, अलग अलग मार्जिन नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा मार्जिन एक साइड कर लिया मैंने ऊपर नीचे का सेम देखते हुए। अब आपने क्या करना है, ये मेरी सलवार की सीधी साइड है, अब आपने इसको रखना है और आपने यहाँ पे एक एक पैर की सिलाई लगा देनी है। पक्का करते हुए सिलाई लगाना है, ठीक है। अब आपने एक एक पैर की यहाँ से सिलाई लगा देनी है, यानी कि एक एक पैर की आप सिलाई लगाती चली जाएंगी। अगर आप थोड़ी सी बुकरम पर लगाएंगी, लगाना चाहती तो लगा लीजिए, इससे क्या होगा थोड़ा सा मोटा सा किनारा हो जाएगा बॉटम से। तो मैं यहीं से सिलाई लगाई, थोड़ा सा बुकरम दबाते हुए लगा रही हूँ मैं, ठीक है। आप चाहो तो इस पर भी लगा सकते हो, एकदम प्लेन आएगा, ठीक है। अब ये होने के बाद अब आपने क्या करना है, जैसे कि देखिए इस तरीके से आपकी सिलाई आ गई है। अब आपने क्या करना है, देखिए पोछे में सिलाई लगाने के बाद आपका कुछ ऐसा गेटअप आएगा। तो ये जो मेरी थी, मैंने इस तरीके से आधे आधे इंच की सिलाई लगाई थी यहाँ पर, ठीक है। ये मेरी आधे आधे इंच की यहाँ पर सिलाई लगी थी, अब मैंने इसे सीधा कर दिया है, ठीक है। अभी दोनों मेरे फ्रंट साइड है, ये भी मेरी सीधी साइड है, ये भी मेरी सीधी साइड है। अब आपने क्या करना है, इसको फोल्ड करना है। आप इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो ठीक है, आपने जो मार्जिन आया आपका, ये मार्जिन आपके इस तरफ ही होना चाहिए, यानी कि जो मार्जिन है आपका इस तरफ ही होना चाहिए। ऐसे फोल्ड करना है आपने और इसको इस तरीके से लाना है, ठीक है। अब आपने पोछे बड़ी ही सेफ्टी से बनाना है। अगर आप बिगिनर से तो आप स्केल से यानी कि लाइन खींच सकते हो आधा आधा इंच जितनी, तो पोछे बनाना इतना मुश्किल नहीं है जब, लेकिन शुरू शुरू में जो बनाते हैं उनको, बिगिनर्स जो होते हैं उनको बहुत डिफिकल्ट लगता है। तो सबसे पहले तो आपने सिलाई कहाँ लगानी है ध्यान रखिए, आपने सबसे पहले किनारे किनारे पर सिलाई लगानी, एकदम इस कपड़े पर किनारे किनारे पर उसको दबाने के लिए सिलाई लगाएंगे सारी जगह। उसके बाद आपने एक एक पाँव का इंच, यानी कि अपने जो पैर की सिलाई होती है उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो आप सीधी सीधी सिलाई लगाते हुए आएंगे यहाँ से, फिर सीधी सीधी सिलाई लगाते होंगे, सीधी सीधी सिलाई लगाते होंगे, तो किस तरीके से लगानी है वो बताती हूँ। मार्जिन को इधर करते हुए, ठीक है। अब आपने कैसे करनी है सिलाई, आपने एक एक पैर की सिलाई लगानी है। सबसे पहले तो आप कॉर्नर पे लगाएंगे इसको दबाते हुए, यहाँ कॉर्नर पे लगानी है सबसे पहले। अब यहाँ पे आप बड़े टाके की सिलाई लगा सकते हैं। देखिए इस तरीके से आपने सिलाई लगानी है, इस तरीके से आपकी सिलाई आएगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको घुमाना है। नीडल को आपने कपड़े के अंदर ही रहने देनी है, नीडल को नहीं हटानी आपने, नीडल आप कपड़े के अंदर ही रहने देंगे। अब जितना एक एक पैर का मार्जिन आ रहा है उतने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। ये ऐसे लगाने के बाद नीडल को आपने सुई के अंदर ही रहने देना है। अब यहाँ से भी सिलाई उठ मशीन उठाएंगे, फिर एक पैर जितना हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। कपड़े को नीडल कपड़े के अंदर ही रहने देंगे,
फिर नीडल को उठाएंगे और एक एक पैर जितना लेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। अब आपने किनारे किनारे पर सिलाई लगा ली है। देखिए सिलाई इस तरीके से आनी चाहिए, ठीक है आपकी, यानी कि एक पैर की सिलाई लगेगी इस तरीके से, एक एक पैर की सिलाई लगानी है आपने, और एकदम थोड़ा सा धागा जो है आपका मोटा होना चाहिए सिलाई का, मतलब कि पतला मोटे टाके से थोड़ी सिलाई लगानी है, यानी कि इस तरीके से। ये दिख रहा होगा सिलाई कैसी आ रही है, ठीक है। इस तरीके से ऐसे दूसरा पोछा भी रेडी करेंगे। देखिए ये कपड़ा है ना मेरे पास, इसी कपड़े के ऊपर अपने बुकरम रखेंगे और इसको थोड़ा सा फोल्ड करते हुए हमें आधे आधे पैर की सिलाई लगा देनी है। देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। अब आपने वही सेम जैसे वाला पल्ला जोड़ा है ना, ऐसे इसको जोड़ेंगे। ये आपका फ्रंट साइड है, सीधी साइड है नीचे का बॉटम, ठीक है। अब आपको भी इसको सीधे, मतलब कि दोनों अंदर सीधे होने चाहिए, इसको इसके ऊपर रखा और हमें यहाँ पर हमें आधा आधा इंच इतना सिलाई लगा देना है, ठीक है। देखिए मैंने सिलाई लगा ली है, इसको भी सेम उसी तरीके से अपनी तरफ पलटेंगे और यहाँ पर भी एक पैर का सिलाई लगाएंगे, यानी कि सॉरी यहाँ पर भी एकदम कॉर्नर पे सिलाई लगाना है अपने, कॉर्नर पे सिलाई लगाइएगा और बड़ा टाका करके सिलाई लगाना है। अपने नीचे के जो बॉटम है उस पर सिलाई लगा ली है, ठीक है। पीछे से ऐसे आएगा और आगे से इस तरीके से, ऐसे मैंने दूसरे पल्ले पे भी सिलाई लगा ली जी, लगा ली है, ठीक है। ये हमारा फ्रंट पोर्शन होता है, लेकिन क्या कर कभी कभी क्या होता है कि हमारा एक्स्ट्रा आ जाता है, तो उसको कटिंग करके निकाल देना है बराबर तरीके से, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये हमारी सलवार थी जो हमने बनाई थी, तो जो क्रोच एरिया है, ठीक है, इसको उल्टा पलटेंगे और यहाँ पर आएंगे। अब जो इसका क्रोच एरिया है, ये इसका क्रोच एरिया यहाँ आ रहा है और इसका क्रोच एरिया सिलाई बीच की यहाँ आ रही है। अब आपने क्या करना है, इस सिलाई को इस सिलाई के बराबर करेंगे, ठीक है। ये इसलिए करते हैं जिस कारण लोगों की सलवार घूम जाती, इसी वजह से घूमती है। तो दोनों सिलाई सिलाई के ऊपर रखेंगे और इसको बराबर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर तो हम आधा इंच से थोड़ा सा ज्यादा, और यहाँ डबल सिलाई लगती है, ठीक है, आधा इंच से थोड़ा सा ज्यादा ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक पिंस लगा लो, यहाँ पे एक सिलाई को सिलाई के बराबर रख करते हुए एक पिन लगा लेनी है, ये सिलाई के ऊपर सिलाई करते हो, पिन लगा ली। अब आपने क्या करना है, अपना बॉटम पर आना है। ये आपके पोचे हैं, ठीक है, इसको एकदम बराबर करिए। अब आपने जितना पहनते हैं आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए और एक्स्ट्रा मार्जिन ले लीजिए। जैसे कि मेरा गोलाई में बॉटम, देखिए गोलाई में से हम बॉटम लेते हैं, सलवार का पोंचा लेते हैं। अगर आपको पता नहीं कि सलवार का मेजरमेंट कैसे लेते हैं, सलवार के कैसे कटिंग होती है, तो इससे पहले भी मैंने क्लास वाइज बना रखी है वीडियो, आप क्लास वाइज भी चेक कर सकते हैं। जिसके हम घुमा के लेते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा पैर है ये,
ठीक है, और हम पोछा ऐसे लेते कि 14 पहनता है कोई, कोई 13 इंचेस पहनता है, तो उसका हाफ करना पड़ता है, जैसे 14 का हाफ 7 इंचेस, तो ऐसे 13 का हाफ करेंगे, तो 13 का हाफ कितना आएगा, 6.5 इंचेस, ठीक है, 6.5 यानी कि 6.5 इंचेस आएगा हमारा हाफ करके। अब उसमें क्या होता है कि आप 1 इंच का नीचे के साइड मार्जिन ले लीजिए, ठीक है, और एक बॉक्स, एक सीधी लाइन डाल दीजिए, और इसको अपनी तरफ ऐसे एक तिरछी रेखा डालनी, की तिरछी लाइन डालनी है। ये इसलिए डालते हैं क्योंकि इसी से ही हमारा पोछे का लुक होता है। फिर आपने इस सिलाई लगाने के बाद आप ऊपर आएंगे, ठीक है, और ये कपड़े को सारा जो भी एक्स्ट्रा आ रहा है उसको इस तरफ कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारे किनारे जुड़ रही है। अब आपने इसी सिलाई के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक आधे इंच से थोड़ा सा ज़्यादा ज़्यादा, आधे इंच से थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, और यहाँ तक आप सिलाई लगाते चले जाएंगे। अब आपने यहाँ पर आ जाना है, ये राउंड शेप आपकी बन गई है। इस तरीके से आप दूसरा वाला बॉटम लेंगे, ये दूसरा वाला हो गया जिसका मुंह मेरी तरफ है, इसकी गुलाई मेरी तरफ है। अब इसमें भी आपने अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, जितना आपने उसमें निशान लगाया है ऐसे आप इसमें भी निशान लगाएंगे, ठीक है, तो दोनों को ऐसे रख दीजिए बराबर करते हुए, दोनों पोचों को ऐसे बराबर करिए, फालतू आरा आने दीजिए, यहाँ से कोई भी फालतू आरा कोई मैटर नहीं, पर यहाँ से हमारा बराबर आना चाहिए, और जो आपने यहाँ निशान लगाया था ऐसे डैप करके ना दूसरी तरफ आ जाएगा, उतना ही हम यहाँ निशान लगाएंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा आएगा हम बाद में छटिंग छटाई कर देंगे। और इसको ऐसे करते हुए प्लेन करेंगे कपड़े को, ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग आपने चलना है। थोड़ा सा कपड़ा जो ये मेरा एक्स्ट्रा आ रहा है, तो आप क्या करोगे, थोड़ी सी यहाँ चटाई कर दीजिए, ठीक है, अब ये बराबर आएगा, ठीक है, यहाँ से भी कपड़ा ढंग से देखिए। अब आपने आधा आधा इंच जितना जितना ये लिया है ना, इतना लेते हुए सिलाई लगा देनी है। गुलाई करते हुए सिलाई लगा दी है, तो इस तरीके से आपने सिलाई लगानी है, ठीक है, तो चलिए अब सिलाई लगा, तो सिलाई कैसे लगानी है वो देखो, इसको हमने बराबर तरीके से रख रखा ना, जहाँ पे आपने चोक चला रखी तिरछी, वहां पे आपने 3 बार धागा चलाना है, कितनी बार चलाओगे, 3 बारी, ठीक है, ठीक है, एक हो गया। अब इसको नीडल इसके अंदर ही रहने देना, ठीक है, अब दूसरे तरीके से भी इसमें करेंगे, अब उसी के ऊपर हम तिरछे चलाएंगे। अब एक हो गया, दूसरा हो गया, अब तीसरी बार ये इसलिए चलाते, पक्का करना पड़ता है इसको। अब आपने क्या करना है, जहां जहां चौक के निशान लगाए वहां सिलाई करते रहिए, कपड़े को खींचना नहीं है, बस इसको ऐसे प्लेन करना है, अब यहां से घुमानी है, ठीक है, और कपड़े को यहां से भी एकदम प्लेन करते चले जाइए। इसे भी पक्का कर लेंगे, ठीक है, अब ये सलवार हमारी बनके रेडी है, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक और पक्की सिलाई लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखिएगा कि आपने यहाँ पर एक और पक्की सिलाई लगानी है उसी के ऊपर ही,
देखिए इस तरीके से आपके अब पोछे रेडी है, ठीक है, सब सिलाई भी लगी। अब आप क्या, देखिए इस तरीके से हमारी सलवार बन के रेडी है। इसको हम बोलते हैं सिंपल सलवार, ठीक है। इसका लुक कैसा आया आप अब देख रहे हैं।